नमस्कार, मैं अरुण छाजे। आज मैं आपको एक नोटिस के बारे में बात करता हूं, विच इज इंटरलिंक विद द GSTR 9। GSTR 9 को कैसे एनालाइज किया जाता है टू डिटरमाइन द एनी लाइबिलिटी बाय द डिपार्टमेंट। अब देखिए, इस नोटिस में सबसे पहले 4N का फिगर लिया, जो कि टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई एज डिक्लेयर्ड इन द GSTR 9। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द अमेंडमेंट नेट ऑफ अमाउंट 10 माइनस 11 इन्होंने लिया, टेबल 10 एंड टेबल 11, वो लाइबिलिटी जो हम रिपोर्ट करते हैं टेबल 10 या टेबल 11 में। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया कि जिस ट्रांजेक्शन को हमने GSTR 3B के माध्यम से आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिटवीन अप्रैल टू सेप्टेंबर हमने रिपोर्ट किया है या रिवर्स किया है। अब 16B और 16C को ऐड क्यों किया गया है, ये कारण समझिए। एक बात करता है कि अगर आपने माल जॉब वर्कर को भेजा है और माल विद इन द टाइम पीरियड वापस नहीं आया, तो 1 ईयर विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट और 3 ईयर विद रेस्पेक्ट टू द कैपिटल गुड्स, एंड 1 साल और 2 साल का फर्दर एक्सटेंशन मिल जाता है। उस टाइम पीरियड के बाद अगर माल वापस नहीं आता तो सेक्शन 143 कहता है वो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। अगर आप 16B में कोई अमाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वो टैक्स पे करना है, एंड ही इज करेक्टली एडेड 16C टैक्स ऑन अनरिटर्न गुड्स, वो 31 सबसेक्शन 7 का जो टाइम लिमिट है कि विद इन 6 मंथ अगर गुड सेंट ऑन अप्रूवल है तो वो अगर वापस नहीं आया तो वो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। 15G ऐसी कोई डिमांड जो आपके ऊपर रेज हुई है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया, दिस इज द सम टोटल ऑफ योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। मैं रिपीट करता हूं, देखो लाइबिलिटी हमें नॉर्मली 4 या टेबल 10 11 से नहीं, लेकिन 16 एंड टेबल 15 का भी क्या इंपैक्ट है, दैट शुड बी टेकन केयर। अगर आप GSTR 9 में 16 या 15 में कोई अमाउंट डाल रहे हैं, इसका देखिए क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। अब टेबल 9 में जो हमने कैश में पे किया है और जो हमने ITC के थ्रू पे किया, दोनों को एडजस्ट कर दिया, लेस डिफरेंट टैक्सेस पेड ऑन द अमेंडमेंट। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को, 10 माइनस 11 का जो नेट रिपोर्टिंग होता है, इक्वेलेंट अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन द टेबल 14। अभी तक हम लोग क्या करते थे, 10 11 में अगर कोई अमाउंट डिक्लेयर करते थे और उस अमाउंट का सोर्स क्या है, वो जो हमने 3B में रिपोर्ट किया है, एंड इट इज क्रिस्टल क्लियर कि अगर मैं 3B में रिपोर्ट करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट मैंने पे कर दिया है, ठीक है। देयरफॉर वी आर नॉट रिपोर्टिंग इन द टेबल 14। अगर ऐसा कर रहे हैं तब भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप टेबल 14 ऑफ GSTR 9 में ये रिपोर्ट करें, एड डिफरेंशियल टैक्सेस पेड ऑन द अमेंडमेंट रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, 14 ऑफ द प्रीवियस ईयर GSTR 9। मतलब ये लास्ट डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन द अमेंडमेंट, गौर कीजिएगा, ये लास्ट GSTR 9 के टेबल 14 को यहां पे लिंक कर रहे हैं, अंडर डिक्लेयर टैक्सेस इन रेस्पेक्ट टू द GSTR 9, तो आपकी ये टैक्स लाइबिलिटी थी और आपने ये पे कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट टेबल 8 का क्या रिलेवेंस है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेबल 8D, 8A-8B-8C और 8D में आता है। अगर वहां पे पॉजिटिव अमाउंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 2A में ज्यादा आ रहा था, आपने ITC कम लिया। अगर वहां पे नेगेटिव अमाउंट आता है, इसका मतलब आपने ITC एक्सेस क्लेम किया है। सो दैट मे रिजल्ट इनटू सच टाइप ऑफ द नोटिसेस व्हिच मे कम अक्रॉस। सो व्हाइल फाइलिंग द GSTR 9 यू हैड टू टेक केयर कि जितना 8D में कम नेगेटिव अमाउंट आएगा इट वुड बी बेटर। एक्सेस क्लेम ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ GSTR, इंपोर्ट ऑफ द गुड्स इन द GSTR 9, 8I एंड सम टोटल टोटल एक्सेस क्लेम्ड ऑफ द ITC एज पर द GSTR 9, एंड दैट हैज टू बी रिपोर्टेड। एक बात और बताना चाहता हूं, 17(5)(c), सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, नॉट एग्जैक्टली सी, ए टू एच आई तक कोई भी आप क्लॉज मान लीजिए। अब ये डिपार्टमेंट HSN कोड के थ्रू उस कॉमोडिटी का लेजर का नाम आइडेंटिफाई करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर रिपोर्टिंग अंडर ब्लॉक कैटेगरी, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक गुड्स, आयरन स्टील, एक्सीडेंटल एंड हेल्थ इंश्योरेंस, फूड एंड बेवरेजेस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस,
टोटल इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 17(5). अब अगेन इसको लिंक किया है 7E के साथ। देखो 7E ऑफ GSTR 9 है। ये नोटिस इसीलिए बताना जरूरी है कि अब हम GSTR 9 फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल 2021 का। हाउ इट इज रिलेवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट हैज टू बी टेकन केयर। इनएलिजिबल आईटीसी डिक्लेयर्ड इन द GSTR 9, दैट इज टेबल 7E। अब आप यहां पे क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, 7E का जो लिंकिंग है, इनएलिजिबल आईटीसी की बात कर रहे हैं, आपने क्या किया, जीरो रिपोर्ट किया। तो ये क्या मान रहे हैं कि आपका ये इनएलिजिबल आईटीसी था जो आपने इनएलिजिबल के अंदर रिपोर्ट नहीं किया, सो देयरफॉर यू नीड टू पे द टैक्सेस। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज रियली गुड नोटिसेस एंड प्लीज इंश्योर टू द अबव पॉइंट्स इन द GSTR 9 ऑफ फाइनेंशियल 2021। थैंक यू सो मच।